12 बजे तक वो सेशन चलते रहता था। तो बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत अमेजिंग रिट्रीट था, और हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं सीखते, हम सिर्फ सिखाते, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी लोग आते हैं या आए हैं, हर एक के अंदर यूनिक क्वालिटी होती है। वो कोई साधारण इंसान नहीं होते हैं, और हर एक के अंदर वो पावर होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं चाहता हूं कि जो भी वृंदावन रिट्रीट में आए थे, वो 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक चीज मैंने लाइफ में बहुत सीखी है, मैंने 27 साल 28 साल के स्पिरिचुअल जर्नी में जितना मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है ना, उतने लेक्चर्स में भी नहीं सीखे। एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अनुभव से, दूसरों के अनुभव से हमें पता चलता है कि अरे हमें क्या करना चाहिए। हमारे बहुत से डाउट जो हम खुल के बता नहीं सकते, वो लोगों के अनुभव से हमारे बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि अपना रेज हैंड कीजिए या कुछ वहां पे देखिए, तो वहां पे मैं आपको अनम्यूट करूंगा, और प्लीज प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कोई भी शेयर कर सकता है जो पहले रिट्रीट अटेंड कर सकते, खास करके जो वृंदावन में अभी रिट्रीट जिन्होंने अटेंड किया है। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग अगर वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। एनीबॉडी? क्योंकि मैं बताता हूं वो एक डिफरेंट बात होती है, और लोगों से अगर हम सुनते हैं तो अलग चीज होती है। आई वॉन्ट टू शेयर। ओके, मैं दिवाकर जी को अनम्यूट करूंगा। दिवाकर जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक सेकेंड, दिवाकर जी, दिवाकर एंड करीमा जी। यस, दिवाकर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है। यस, यू कैन शेयर। नमस्कार विशाल सर, सबको नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। मेरा फर्स्ट रिट्रीट लास्ट ईयर नवंबर में था, पंचगनी में। मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम था बहुत, मेरे कान में बहुत आवाज़ लगती थी, जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैं अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा था, और मेरा पिछले बहुत सालों से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब तरह की मेडिसिन्स हमने ट्राई की थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। उसकी वजह से बहुत सारा वेट गेन भी हो गया था। तो नवंबर में मेरा फर्स्ट रिट्रीट था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ से लौटने के बाद मेरे कान का प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरे मेडिकेशन धीरे धीरे बंद हो गया। उसके बाद मैंने और भी रिट्रीट्स अटेंड की, और अभी मैंने लेटेस्ट वृंदावन में रिट्रीट अटेंड की है। अभी हमने कुछ दिन पहले वहाँ पे बहुत लोग थे, करीब 50, अप्रॉक्सीमेटली 50 लोग थे, 50 लोग थे, यस, और बहुत ही अमेजिंग था। शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रिट्रीट के क्या फायदे होते हैं। और हमको खुद ही नहीं पता चलता, हमारे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इतने चेंजेस होते हैं। मेरा काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है पिछले कुछ महीनों में। मैंने बहुत रिट्रीट्स अटेंड की, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए, बहुत सारे चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं। पहले मेरे को बहुत सारे थॉट्स आते थे, एक एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, और मैं बहुत प्रयास करता था कि नेगेटिव थॉट्स ना आए, और बहुत कोशिश करता था कि नेगेटिव थॉट्स ना आए मेरे। लेकिन मेरे कॉन्स्टेंटली मॉर्निंग से उठते ही नेगेटिव थॉट्स आते थे, और उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था। तो धीरे धीरे जो साई करुणा मिशन में सिखाते हैं, मेडिटेशन, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, वो मैंने सब प्रैक्टिस किया, और अभी मेरे को नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, और मैं बहुत शांत रहता हूँ, मेरा मन बहुत शांत रहता है। और बहुत सारे चेंजेस मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ऑफिस के लोग हैं, उन लोगों ने मेरे को बताया है, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं मेरे अंदर। मैंने पिछले कुछ महीनों में फर्स्ट रिट्रीट से लेके अभी तक 16 केजी वेट लॉस किया है मैंने,
विशाल सर के गाइडेंस में और बाकी जो भी हमको इनपुट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे 16 kg वेट लॉस किया है बिना किसी एफर्ट के। मैंने कोई जिम नहीं किया, कोई रनिंग नहीं की, कोई वॉकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। घर बैठे बैठे, मैं घर से निकलता भी नहीं हूँ, घर बैठे बैठे मैंने 16 kg पिछले कुछ वाह महीनों में लॉस किया है। तो यही सर मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को साउंड स्लीप नहीं आती थी। मैं बार बार उठता था, कई बार उठता था रात को, पानी, मेरे को प्यास बहुत लगती थी रात को, मैं 3 से 4 बार उठता था पानी पीने के लिए, और फिर सोने में दिक्कत होती थी, सो नींद नहीं आती थी। अब मैं रात को सोता हूँ और जब मन करता है तब सो जाता हूँ। मैं वेरी नाइस 9:30 10 o'clock सो जाता हूँ और बीच में नहीं उठता हूँ, सुबह ही उठता हूँ। अब मेरे नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती और आराम से मैं सुबह उठता हूँ। और सबको पता है नींद कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना वेरी आप हीलिंग कर सकते हो, ना आप योगा कर सकते हो, ना आप ऑफिस का काम कर सकते हो। बहुत आपको मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, बहुत आप इरिटेटेड रहते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत चेंजेस आए हैं हमारे। जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करता हूँ तो अभी तक 10 से ज़्यादा लोग पिछले कुछ महीनों में SKM से जुड़ चुके हैं, रिट्रीट्स अटेंड कर चुके हैं ऑनलाइन। और ये वृंदावन में भी हमारी फैमिली के 6 लोग गए थे टोटल, तो बहुत ही मजा आया सबको। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छा करना चाहते हो या जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको बेहतर करना चाहते हो, तो आप SKM के रिट्रीट जरूर अटेंड करिए। मेरा एक्सपीरियंस और जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ रिट्रीट में, सबका एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है और बहुत मस्ती होती है। कोई भी सेशन सीरियस नहीं होता, टॉपिक और सब्जेक्ट बहुत सीरियस होता है, लेकिन उसको एक इस तरीके से बताया जाता है कि बहुत ही इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और आपको इतनी उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप उसको पूरा सीख पाते हो और आप एक स्टूडेंट की तरह जाते हो लेकिन आप एक टीचर की तरह वहां से निकलते हो। ये बहुत अमेजिंग बात है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग चीज बोली कि आप स्टूडेंट की तरह जाते हो, टीचर की तरह आते हो। नाउ एक चीज समझ लेना, उन्होंने अगर 16 kg कम किया तो ये मत सोचा रहे कल से मैं कुछ नहीं करूंगा। वो हीलिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उन्होंने हुआ। हाँ, तो खाने पे भी उन्होंने ध्यान दिया, कुछ चीजों पे और वो काम कर रहे हैं, थोड़ा उनका इयररिंग का है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हम, मैं पर्सनली उनके साथ बैठा भी था रिट्रीट में एक बार, और उनको मैंने कुछ गाइडेंस भी किया। आई एम श्योर वो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बताया कि अगर आप परफेक्टली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो विद इन 2-3 मंथ्स आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा दिवाकर जी आपने शेयर किया, बिकॉज ये शेयरिंग से भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ रिट्रीट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिट्रीट करने के बाद उसको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना वो इम्पोर्टेंट है। रिट्रीट में 5 दिन में बहुत लोगों को रिजल्ट आता है, अच्छा तो लग जाता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, चाहे आप रिट्रीट करो चाहे ऑनलाइन जूम सेशन में लेक्चर्स अटेंड करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि डेली बेस पे उसको प्रैक्टिस करना, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। बिकॉज आपको घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, ऑनलाइन ये भी आपको काम करना है, और उसके साथ में जो सिखाया है उसको भी परफेक्टली प्रैक्टिस करना है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स इसको मानते हो नहीं मानते हो, तो वो चैलेंज होते हैं। बट वो चैलेंज को पार करके आपको बाहर निकालना है, मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तब रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। रिट्रीट का बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम वन-टू-वन कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, पूरी फैमिली ऐसे लगती है कि एक ही सोल फैमिली, कभी ऐसा लगता नहीं है कि
वो साउथ से आया, नॉर्थ से आया, तो कोई अलग है। आप देखे होंगे कि, और खुल के लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई सोचता नहीं कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अपने दिल की बात खोल के बता देते, खोल के हंसते हैं, खोल के रोते हैं, खोल के डांस करते हैं। मैंने देखा बहुत अमेजिंग चीज, ये रिट्रीट में बहुत लोग बहुत खुल के डांस कर रहे थे, अपनी अपनी क्वालिटी बाहर निकाल रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, कथक कर रहे थे, तो बहुत अमेजिंग चीज थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू दिवाकर जी। थैंक यू। कुमु जी को मैं अनम्यूट करूंगा। कुमु जी, यस कुमु जी, हाय हाय सर, बहुत अच्छा लग हाय, रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। वापस वापस जब आए थे वृंदावन से, तो 2-3 दिन तो मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था अरे वापस चले जाए किसी तरह से। और मैं मोस्टली तो आई थिंक लोग शायद मेरा एक्सपीरियंस जानते होंगे, मैंने पहले भी शेयर किया है। बट जो मेरा मैंने मेरा डिप्रेशन का हिस्ट्री था लास्ट 10 ईयर्स का, और मैंने दिसंबर में जब SKM ज्वाइन किया था, तो जो बीमारी मेरी इतने डॉक्टर्स से 15-16 टैबलेट्स खा के, इंजेक्शन लेके, काउंसलर्स को मिलके भी ठीक नहीं हो पा रही थी। SKM में 5 दिन की रिट्रीट के पार्ट में बाद मेरे वो 10 साल बिल्कुल निल हो गए। मुझे अब वेरी ऐसा नाइस, लगता ही, अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कभी इतना सफर किया 10 ईयर्स। अब वो करेक्ट अगर फीलिंग कभी सोचने की भी कोशिश करती हूँ तो याद नहीं आती कि कैसा फील करती थी, क्योंकि अब इतना हैप्पीनेस फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही पेसिमिस्टिक पर्सन थी, बहुत पेसिमिस्टिक, और अब मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये नहीं वेरी बोलती कि मतलब सडनली 10 महीने के अंदर सब कुछ मुझे मिल गया, बट मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना पॉजिटिव है, और मतलब मुझे ये यकीन रहता है कि मैं ये कर सकती हूँ। करेक्ट। और मैं यही सोच के करती हूँ कि पहले मैं एक्चुअली विश मांग के करती थी, बट आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने विश मांग करके करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये ऐसा एहसास हुआ, अंदर से फीलिंग आया कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, तो मैंने वो भगवान पे छोड़ करके अब मैं करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैं ना प्रिपेयर्ड फील करती हूँ हर सिचुएशन के लिए, कि चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, लाइफ में मैं डील कर पाऊंगी। वो सब मेरे अंदर सर पहले कभी नहीं था। इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ SKM, उदय सर एंड द मेडिटेशंस दैट आई हैव डन। मैं बीच में थोड़ी इरेगुलर भी हुई, बट वापस से मैंने फिर से पिकअप भी किया, क्योंकि वो छोड़ के समझ में आ गया कि इसके बिना नहीं चलेगा, आई हैव टू डू दिस। और सर वृंदावन की रिट्रीट भी मैं इस मोटिव से अटेंड करने गई थी, क्योंकि वो जो 5 डेज की ऋषिकेश की रिट्रीट में मैंने अपना स्टेट ऑफ माइंड समझा था, और वो जो मैंने हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी फील की थी, वो मुझे मतलब रिट्रीट में एक अलग ही कुछ होता है जो मैं शायद वर्ड्स में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। एवरी थिंग देयर इज सो डिवाइन, मेरे को नहीं पता था डिवाइन एनर्जीज आप ऐसे फील कर सकते हो। सो इट वॉज एक्सट्रीमली 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 अमेजिंग फॉर मी। Yeah, and one thing I want to interrupt in between. You dance very well, huh? You dance. How you dancing? So थैंक ये यू। तो आपने अंदर के टैलेंट को आपने बाहर निकाला, आप खुल के डांस कर रहे थे। सर मैं मैं पता नहीं इतना खुल के कितने साल बाद नाची थी, मुझे खुद भी नहीं पता, बहुत बहुत बढ़िया। सालों बाद। मतलब आई वॉज हैप्पी इनफ कि मैं, क्योंकि पहले जब मैं बीमार रहती थी तो मुझे लगता था ये सब फायदा नहीं है, ये सब का क्या फायदा है, बट उस दिन मैं एक्चुअली बिल्कुल दिल से नाची थी बिकॉज आई वॉज हैप्पी। तो वो जो हैप्पीनेस का क्वेश्चन है वो SKM में आने के बाद ही आया, नहीं तो मैं तो लास्ट इयर्स में भूल ही गई थी कि एक्चुअल रियल खुशी क्या होती है। यू कैन स्माइल फॉर कैमरा, सेल्फी लेने के लिए, इसके लेने के लिए, उसके लेने के लिए, ऑफिस में लोगों के सामने दिखाने के लिए, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट वॉट गोज इन साइड इट्स ओनली द पर्सन हु नोज इट कि वॉट इज हैपनिंग इन साइड। तो वो जो रिट्रीट में था वो सब कुछ रियल था। और सर वृंदावन के रिट्रीट से जाने से पहले मुझे ना मतलब लास्ट 2 वीक्स में जैसे बहुत ना खुद पे डाउट आता था कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो ठीक कर रही हूँ, ये क्या मुझे ठीक से फायदा करेगा, क्या मेरे स्टेप्स ठीक हैं। तो सर जब मैं रिट्रीट में दोबारा अभी वृंदावन गई तो वो सारे डाउट बिल्कुल चले गए। अब मैं जो भी करती हूँ, एक तो मेरे अंदर ना डिफरेंट एनर्जी आ गई वृंदावन जाने के बाद, जो थोड़ी लो होने लगी थी, तो रिट्रीट से मुझे ये समझ में आया कि वो जो हम पीरियोडिकली रिट्रीट अटेंड करते हैं वो एनर्जी लेवल आपकी बढ़ा देता है, आपका वापस मोटिवेशन लेवल उतना ही हो जाता है जितने से आपने स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद मतलब मेरे वो डाउट्स बिल्कुल खत्म हो गए। अब मैं जब मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ तो बिल्कुल पूरे फेथ से करती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ एकदम सही कर रही हूँ और इसका पूरा बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा वापस रिट्रीट से आया।
और मतलब वृंदावन तो सर बहुत ही अमेजिंग था, मैं तो वर्ड्स तो में समझाना बहुत मुश्किल है. एंड द बेस्ट थिंग वाज कि जो लोग मुझे ऋषिकेश रिट्रीट में 7-8 महीने पहले मिले थे और जब वो मुझे वृंदावन में मिले और उन्होंने मेरे अंदर वो चेंज देखा मेरा, अगर आप बिफोर आफ्टर आप किसी को भी दिखाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर आ गया मेरे अंदर. वेरी गुड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप में कितना चेंजेस आए हम बताते, देखो मैं में कितना चेंज आया, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब सामने वाले बोलते हैं कि अरे आप में कितना चेंज आया है. देवर एटलीस्ट 5-6 पीपल हु केम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि भाई तुम तो बिल्कुल बदल गए. एंड वो सर वो मुझे इतना खुशी दे रहा था क्योंकि पहले मैं कितना भी एक्ट करने की भी कोशिश करती थी कि मैं ठीक हूँ तो लोगों को समझ आता था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद हर. जैसे लोग ऑफिस में भी आपको बोल देंगे अरे कि तुम ठीक नहीं हो, तुमको शायद कुछ प्रॉब्लम है, आर यू नॉट फीलिंग वेल. आई कुडंट से एनीथिंग टू देम बिकॉज मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कैसी हूँ. लेकिन सर जब मैं रिट्रीट में गई, दे सॉ मी इन December end rather, and they saw me in Vrindavan retreat and they were shocked to see my transformation. मतलब मैं बताती शायद लोगों को कि मैं बहुत अच्छा feel करती हूँ क्या, but लोगों ने ही मुझे आके बोला. अब सबसे important चीज क्या होती है, अगर लोग है ना मेरे मन में बोलते हैं ना कभी कभी अरे विशाल आप तो थोड़ा डल दिख रहे हैं, आप तो थोड़ा वीक दिख रहे हैं, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ. अच्छा वीक है मतलब मुझे ज्यादा चांसेस है इम्प्रूव होने में. हाँ. तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, चलो ज्यादा खामियां दिखाई तो चलो मैं जल्दी ज्यादा फास्ट वो खामियों को दूर करके ज्यादा अपने लाइफ को फास्ट अच्छे तरह से लेके जा सकता हूँ. और सर पहले ना मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, मतलब अपनी किस्मत को हर वक्त ही क्वेश्चन करती थी, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है. सर मैं अब कभी भी क्वेश्चन नहीं करती कि मेरे साथ क्यों होता है. वो हमेशा एक अवेयरनेस रहती है कि ये जो हो रहा है इसका कोई रीजन है एंड इट विल टेक मी समवेयर. मैं मतलब पीछे नहीं रह जाऊंगी, मैं कहीं आगे ही जाऊंगी. यस यस हम जीतते तो हैं या सीखते हैं, या जीतते हैं सीखते हैं. सर वो लाइन का मतलब मुझे 7-8 महीनों में अब समझ आया है. वो जो आप हमेशा लाइन बोलते हो वो मैं अब समझ पाती हूँ कि एक्चुअली ऐसा ही होता है. तो पहले मैं ऐसा बिल्कुल सोच नहीं पाती थी. एंड बेस्ट थिंग अबाउट एसकेएमएस सर कि पहले दिन ही जाते आपको ना कोई साधु नहीं बनाने लगता. मेरे को मैं जब एसकेएम मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं था मेडिटेशन क्या होता है. मुझे जब मैं इस थॉट प्रोसेस से गई थी कि जब मैं जाऊंगी तो पता नहीं क्या पूजा पाठ कराएंगे और मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी और क्या होगा, पता नहीं मुझे सब कैसे फील करेंगे मेरे बारे में देख के कि इसको कुछ नहीं आता. बट सर वो मतलब जो मैं सोच के गई थी सब कुछ उसका बिल्कुल ऑपोजिट था. और किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि आपको एक दिन में बदल जाना है. इनफैक्ट हर बार सर ये सब रीइंस्टेट करते रहे कि आप धीरे धीरे ही चेंज हो गए, बस कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. तो वो सबसे अच्छी चीज थी. मैं आज भी मुझे पता है मैं बहुत लैग बिहाइंड करती हूँ पर फिर भी लगता है कि नहीं एक दिन तो मैं भी एट पार आ जाऊंगी सबके. तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है. आप एट पार ही हो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ट्रिगर की जरूरत है, वो कभी भी हो सकता है. तो सर मेरे लिए तो वृंदावन रिट्रीट वाज अमेजिंग, एकदम अमेजिंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सर. और हम लोग सभी लोग उनको विश करेंगे. ओके थैंक यू सो मच सर. सभी लोग उनको विश करेंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Kumuji, happy birthday thank you all of you, thank you so much. aaj sir ka maine jaise hi facebook pe message dekha to main to waise hi 2 minute ko shant ho gayi thi ki sir ne mujhe wish kiya और मुझे 2 मिनट लगे सिंक इन होने में कि अच्छा सर का मैसेज आया है. सर थैंक यू विशाल सर, थैंक यू दे सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. ओके थैंक यू सर. इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम फर्स्ट डे लोगों को पूछते हैं कि आप क्यों आए हो, आपके लाइफ का मोटिव क्या है, तो सबसे बेस्ट पार्ट थी कि लोग दिल खोल के अपने अपने जो चैलेंजेस है वो बता रहे थे, चाहे वो रिलेशन हो, फाइनेंस हो, वो इतना अच्छा लग रहा था और लोग उसको पॉजिटिविटी में लेके उनको हील कर रहे थे, जो कि बहुत अमेजिंग चीज होती है जो शायद बाकी रिट्रीट या इसमें नहीं होती. हम चाहते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम से वहाँ पे शेयर करो और फिर सभी को उस प्रॉब्लम को लेके मैक्सिमम लोग हील करें, तो उसका पावर बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, नाउ मैं सोनाली जी को लूंगा, फिर वैशाली जी को लूंगा. यस सोनाली, यस हेलो, हाउ आर यू सर? मैं मस्त, आप कैसे?
बस फाइन, बोलिए बोलिए। बस सर अभी ऐसा ही हो रहा है कि वापस रिट्रीट में आए और सब वापस मिले, इतना मजा आया 5 दिन, एकदम ऐसे हेवन जैसा लग रहा था कि ऐसे कितनी मजा आ रही थी और सब कुछ फ्लो में हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। वापस आने की तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब लास्ट डे आपकी सिस्टर भी रो रहे थे, आपको जाना नहीं था, बट यस दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम किधर नहीं जाने वाले हैं, हम इधर ही रहेंगे, वैसे मेरी उम्र बहुत है तो डोंट वरी। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं ये क्वेश्चन लेके आई थी, मुझे पता करना था कि मुझे जानना था कि मुझे कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा या लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी वाला पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया कि नहीं, अभी वाला ही मस्त है, एकदम परफेक्ट मेरे लिए, और करते रहो मजा आने लगेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। आपकी सिस्टर है वहाँ पे? हाँ, वो भी शेयर करना चाहेंगे हमारे रिट्रीट में, उनको भी आप कहाँ पे है? हमारी वो यंग स्टूडेंट थी, ओनली 14 या 15 इयर्स की। यस हाय, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 15 साल की लड़की और इसने पास्ट लाइफ अपना देख लिया, अराउंड 2 to 3 लाइफ, मोर देन 3 लाइफ, ये छोटी सी लड़की और इजीली चली गई। क्यों चली गई आपको पता है? क्योंकि इसके मन में डाउट नहीं था, इसने माइंड में सेट कर लिया कि जो भी सिखा रहे उसको 100% ले लेना है। और हमने कोई पास्ट लाइफ हम लेके नहीं गए थे, जो स्टूडेंट पहले सीखे हुए थे उन्होंने इनको पास्ट लाइफ में लेके गए और इनको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। यस, आपको क्या महसूस हुआ बेटा, आप शेयर करेंगे? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, ऐसा लगा कि सब फैमिली है वहाँ पे, वापस आने का मन नहीं कर रहा था। okay. और बस ऐसे यहाँ पे आके तो ऐसा लगा कि क्या यार वापस क्यों आ गए, रहने का था, लेकिन अभी नहीं, हम लोग वापस से जल्दी मिलेंगे। अभी जो भी आपने रिट्रीट में सीखा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसको अच्छे से लेके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जब ऋषिकेश में होगा तो हम जरूर मिलेंगे वापस, ठीक है? तब तक आपको क्या करना है, जो भी सीखा है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और एक नया चेंज होके आना है, तो ही मजा आएगा, ठीक है ना? तो जो भी सीखा है हमारे पास 3 मंथ से, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके एक डिफरेंट बन के बाहर निकलना है। ओके, हर बार हम कुछ सीखते हैं तो आगे एक अपलिफ्टमेंट, हमारी एनर्जी का अपलिफ्टमेंट होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने भी कुछ शेयर किया। और सर वापस सबके चेहरे देख के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसी इच्छा हो रही है वापस मिल जाए सब। यस यस, जरूर मिलेंगे, डोंट वरी, जरूर मिलेंगे। हम लोग सभी लोग कहीं नहीं जाने वाले और सभी लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते रहेंगे और हम जूम के सेशंस करते रहेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो, यस बोलिए विशाली जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार, बोलिए बोलिए। मतलब अभी मजा आ गया तो अभी पूरा एक क्या बोलते हैं अपना एक स्टेटस ही हो गया। स्टेटस हो गया ये तो। और मुझे एक थोड़ा मैं शुरू से बताती हूँ कि जब हम यहाँ से निकल रहे थे, मैं सांगली से आ रही थी, ऑलमोस्ट मैं कोल्हापुर सांगली, लोगों ने सुना होगा नाम। तो मुझे वहां से 5 घंटा बस से ट्रेवल करके, फिर हम फ्लाइट से, फिर वापस 3 घंटा 4 घंटा हम ड्राइव, दिल्ली से ड्राइव करके वृंदावन आए थे। काफी ये ट्रैवलिंग हो गई थी। मैंने बहुत सारे मेरे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने बोला नहीं था कि मैं इतना दूर जा रही हूँ, क्योंकि फिर वो शुरू हो जाता उनका कि ऐसे जा रही है, कोरोना का इतना चल रहा है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, तू जा रही है। लेकिन मुझे श्योर, मुझे एकदम पूरा फेथ था कि कुछ नहीं होने वाला है। और सच में जब हम वृंदावन में पहुंचे, ये दुनिया में बाहर कोरोना चल रहा है, किसी को 5-6 दिन याद भी नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है। हम इतने अपने अंदर, इतने मतलब पूरे
ऐसे हो गए थे कि एकदम डिवाइन सब लोग हो रहे थे, और हर ऐसा नहीं था कि हर जगह जगह से लोग आए थे, फिर भी सबकी एनर्जी एक जैसी लग रही थी, कोई भी ऐसे है कि मतलब दुखी है ऐसे नहीं है, सबकी एनर्जी अच्छी थी, सब खुश थे, सब शेयर कर रहे, और ऐसे लग रहा था कि मतलब रूम सेशन में ही इतनी क्लिंजिंग हो चुकी है, फिर भी ऐसे लग रहा था कि और क्या बाकी है, और क्या बाकी है, और सच में मतलब सोच के नहीं आई थी कि क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन जब सीखने के लिए बैठे तो समझ में आया, अरे हमें ये करना है और ये बाकी है, वो बाकी है, मतलब अभी होमवर्क लेके आए हैं और अभी होमवर्क कर रहे हैं, एंड आई थिंक अगली रिट्रीट तक ये होमवर्क हमारा ऑब्वियस, हम परफेक्ट होके जितना मैक्सिमम हो सके हम आएंगे, और इतने अच्छे अच्छे एक बढ़िया सी सोल फैमिली मिल गई है कि सच में ऐसे लगता है कि चलो हमारा कोई वेट कर रहा है, नहीं तो ऐसे अभी मतलब बोलते हैं ना कि हर एक के लिए एक वेलविशर मिलना भी दुनिया में अभी, मतलब हम इतने रिलेटिव्स होते हैं, इतने फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम बिंदास एक दूसरे को कुछ भी अपना कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पे हर कोई अलग अलग जगह से आ रहे, फिर भी हम बिंदास बातें कर रहे, बोल रहे, और मेरा खुद का भी मेरा फर्स्ट रिट्रीट और ये सेकंड था, तो मैं काफी खुल गई थी और बहुत 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 ज्यादा, मजा बहुत ज्यादा खुल गए थे, कथक वथक भी कर लिया आपने नहीं मुझे रहा नहीं गया कि मतलब नहीं मैं कुछ रोक मैं इंटरप्ट करूंगा नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी को फोर्स करते रहे आप कुछ करो इतने लोग खुल गए थे, फोटे मैं डांस करना चाहती हूँ, ये म्यूजिक लगाओ, मतलब सिचुएशन आ गई, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी और एक चीज थी कि चलो आज तक तो हमने सीख लिया था कि ये करना है, मैंने मुझे खुद को भी नहीं लगा था कि मैं किसी का PLR करूंगी, और मैंने सच में दो लोगों का PLR किया, और उनको इतने बढ़िया एक्सपीरियंस हुए, और उनको PLR करने के बाद मुझे खुद को इतना हल्का लग रहा था कि मुझे खुद को लग रहा था कि मेरा कुछ उनसे रिलेशन है, और वो मैं रिलीज हो गई वो रिलेशन से, या फिर जो भी रहेगा, हम दूसरों को हील कर रहे हैं फिर भी हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं तो यूजुअली हमारे माइंडसेट थोड़ा ऐसा कभी कभी हो जाता था मेरा कि हम दूसरों का हीलिंग करते तो हम खुद ड्रेन हो जाते, तो ये बिल्कुल भी अभी मुझे खुद को लगा है कि ये गलत है, ये मेरा दिमाग का बिलीफ जो है गलत है, उल्टा हम दूसरे को किसी को उल्टा ये करते मास हीलिंग या हीलिंग करते तो उल्टे हम और हल्के हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रिलीज हो जाता है जो भी हमारा उनके साथ शायद कर्मा बॉन्डिंग रहेगा या मे भी जो भी है, या उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है, बहुत सारे लोग PLR में जा रहे हैं और हरेक को डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग तो उनको भी मिल रही है और जो हीलिंग कर रहा है उसको भी मिल रही है, तो और क्या बढ़िया दुनिया में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है अमेजिंग बहुत मतलब इतना बोलने के लिए है कि खत्म नहीं होगा, इसको एक्सपीरियंस करना ही एक अल्टीमेट ये मतलब डेस्टिनेशन है कि आप सच में एक्सपीरियंस करो, और ये मतलब बोलते ना कि स्वर्ग है तो देखना के लिए हमको ही जाना पड़ेगा कि क्या है इतनी मस्ती करते थे कि मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी लेटा दिया वो तो मतलब चलो हम लोग एक एनर्जी लेवल तक गए थे, लेकिन मैं सच में बोलूं मेरे लिए सबसे तीन चीजें थी, एक तो फॉरगिवनेस, दूसरा था कि ब्रीदिंग पे मुझे फोकस करना ही, ये मेरा दूसरा मैसेज था, और तीसरा था कि जब आपका चैनलाइजेशन किया तो वो मैंने खुद चैनलाइजेशन क्या होता है देखा, और सच में वो जो एक्सपीरियंस और वो जो मिला, तो और एटीट्यून जो सर ने किया वो मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसको बोलने के लिए, इतना ग्राउंड वापस ग्राउंड पे लेके आए हमें। यस यस, देखो जो अटूनमेंट होता है उसमें बहुत पावर होता है, तो दिस अटूनमेंट जो करते हैं मास्टर्स, चाहे वो मुनि की राइट्स हो या करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी हो, अगर उसको परफेक्टली प्रैक्टिस करते तो जरूर रिजल्ट आता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। मुनि की राइट्स भी बहुत पावरफुल है, ओके जब आप मुनि की राइट्स करते हैं फायर में, आग में, अग्नि में, सब अपने फियर डर सब निकालते हैं और फायर से ही सब पॉजिटिविटी लेते हैं, अगर आप वो 5 मिनट 2 मिनट भी डेली बेसिस पे लेते हो ना,
तो सचमुच में हमने लोगों से एक्सपीरियंसेस पूछे, अनुभव पूछे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है. यस इट वर्क्स, बस कंसिस्टेंसी चाहिए. यस श्योर श्योर. अभी हमारा होमवर्क हम करके नेक्स्ट रिट्रीट में जरूर आएंगे. पक्का पक्का पक्का. थैंक यू. थैंक यू वेरी, थैंक यू वेरी मच वैशाली जी. थैंक यू वेरी मच. अब मैं योगेश जी को लूंगा. योगेश संध्या शाह. योगेश जी मैंने आपको अनम्यूट किया है. वो चले गए हैं. यस योगेश जी प्लीज. आप बात कर सकते हैं. योगेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. अपने हाथ ऊपर लिया था. आई थिंक सो उनको सुनाई नहीं दे रहा है. योगेश जी ठीक है. मैं दूसरों को ले लेता हूँ. विजय कुमार जी ने भी हाथ ऊपर किया था. हाँ कृति चतुर्वेदी. ओके कृति चतुर्वेदी को मैं अनम्यूट करता हूँ. प्रीति जी ये सब बात कर सकते हैं. हाँ सर बोलिए. सर मेरे लिए अभी एसकेएम जो है वो बहुत न्यू था. मुझे ज्यादा पता नहीं था उसके बारे में. लेकिन एक मेरी पहचान की है वो मुझे कह रही थी काफी दिनों से कि वहां जाके सीखो करुणा रेकी सीखो साइकिक सर्जरी सीखो. तो मैं पता नहीं एकदम से ही मुझे पता चला और एकदम से ही मुझे जाने का मन हुआ. और आशा नहीं थी कि मुझे परमिशन मिल जाएगी लेकिन परमिशन भी मिल गई और मैं वहां पहुंच गई. तो मैं ईश्वर की कृपा मानती हूँ इस चीज को कि मैं बहुत अपनी एनर्जी लो फील कर रही थी और मैं मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरा एनर्जी लेवल बढ़े. तो मैं जो चाह रही हूँ कि रोज प्रैक्टिस कर पाऊँ, रोज रेकी और सब चीजें कर पाऊं. तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. जो चाह रही हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी. तो वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा. और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वहां पे हर चीज के लिए हमारे लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है कि हम सब कुछ कर सकते हैं वहां पे. और उसके कारण हम सब लोगों से बहुत जुड़ते हैं और दिल से जुड़ जाते हैं. ऐसा लगता है कि एक हमारे लिए ये भी परिवार है. सबसे सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लग रहा था कृति जी कि आप जो भी आपकी प्रॉब्लम दिल से शेयर कर रही थी, भले पर्सनली शेयर कर रही थी, अब शेयर कर दी चाहे मैं हूं और जो भी मुझे. हाँ सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ना बहुत मतलब मेरे पास शब्दों की इतनी कमी होती है कि मैं जो अंदर भी होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ. नो प्रॉब्लम. लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने हम पे ट्रस्ट किया और आपने शेयर किया और हम ट्राई किए कि आपके वो आपको सॉल्यूशन देके उसे बाहर निकाले. हमने 100% दिया. हाँ नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं जब से वापस आई हूँ तब से रेगुलर सुबह उठ के जो बताया था वहाँ पे कि सबको हीलिंग देना है शिवलिंग के उससे मेडिटेशन करके, वैसा मैं मेडिटेशन रोज कर रही हूँ. और साइकिक सर्जरी और ये करुणा रेकी ये भी कर रही हूँ. और जो मुझे लग रहा था कि मेरे मन में सवाल थे वो सारे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ क्लियर हो गया. मुझे खुद समझ में आ रहा है कि मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है और सब कुछ मेरे हाथ में ही है, मुझे ही करना पड़ेगा. ये काफी चीजें मेरे माइंड में क्लियर हो गई है ऐसे मुझे फील हो रहा है. बहुत बढ़िया. तो बहुत अच्छा लगा. और अभी सोच रही हूँ कि ऋषिकेश आऊंगी और अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊंगी. वेरी नाइस. वो तो 3 months आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और नई कृति जी बन के आना है जब ऋषिकेश आएंगे. तो बिल्कुल सर इमोशनली और समथिंग डिफरेंट बन के. सब लोग का भी बहुत अच्छा लगा. सारे टीचर्स जितने भी हैं, एक तो इतने कम एज के हैं, इतने कम एज में इस
लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये चीज भी देखकर बहुत अच्छी लगी कि सब लोग, मतलब हम जाके इस एज में सब चीजें कर रहे हैं और वो लोग इस एज से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा भविष्य है हमारे देश का इतने सब लोगों के लिए, और उनके कारण जो उनके आसपास लोग हैं उनकी भी लाइफ सुधरेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, और ऐसा नहीं लगा कि कहीं अनजान लोगों से मिल रहे हैं या अनजान, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू सर, आपको और सभी टीचर्स को, उदय सर को, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। पूजा जी, यस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने यहां। यस पूजा जी, हेलो सर। यस, हाउ आर यू? नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। सर मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं एसकेएम के बारे में, लेकिन बस रिट्रीट में जाके जो मैं कह सकती हूँ कि यही कह सकती हूँ कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और इतना डिवाइन प्लेस था सर कि वहां से घर आने के बाद मन ही नहीं लगा दो तीन दिन, मतलब ऐसा लगा कि हम अभी भी वृंदावन में ही है और हम वहीं रहते रहे हमेशा। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पहुंच गई वहां पर, मैंने बस एक थॉट डाला था कि मुझे जाना है वृंदावन। अब कैसे जाना है वो मुझे नहीं पता था, ना मुझे पता था कि मेरे घर वाले अलाउ करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन सर सब कुछ होता चला गया। और मैं ये कहूंगी कि वहां का एक्सपीरियंस मैं वर्ड्स में नहीं डिफाइन कर सकती, वो तो जो वहां पे जाता है वही एक्सपीरियंस कर सकता है वहां की चीजों को। सर सबसे अच्छी बात मुझे वहां पे ये लगी कि मतलब कोई हमें जानता नहीं था, हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन पहले दिन से ही लगा ही नहीं कि हम नए हैं यहाँ पर या हम पहली बार ही आए हैं। Everyone was so friendly and sir, सबसे बड़ी बात कि सारे लोग नॉन जजमेंटल थे, कोई किसी को जज नहीं करता था। आप कैसे भी बोलो, कैसे भी रहो, कोई किसी को किसी से कुछ नहीं था उस तरह से ना सर, कि हमें सोचना नहीं पड़ता था वहां पर बोलने के लिए कि ये बात हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। सर जो मन में आ रहा है हम वो बोल सकते थे वहां पर, और किसी से भी बोल सकते थे और किसी भी टाइम बोल सकते थे सर। मतलब इवन मुझे ये बात इतना अच्छा लगा कि सर हम लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट सभी लोग साथ में करते थे, तो सर वहां पर भी आप कभी भी किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, चाहे सर आप हैं, चाहे उदय सर हैं, चाहे कोई भी एसकेएम टीम का मेंबर है या फिर कोई पार्टिसिपेंट भी है, लेकिन सर हम सबसे सब कुछ कह सकते थे और एवरीवन वाज रेडी टू लिसन टू अस, एंड जो उनके पास बेस्ट सोल्यूशन होता था वो हम देते थे, वो देते थे वो सभी को। और सर एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी वहां पर आके, जो आपके वर्ड्स थे ना कि सर जानना सबको है लेकिन करना किसी को नहीं है, yes. तो सर वो वर्ड्स मेरे माइंड में आज भी चलते रहते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जितना कुछ सीखा है मुझे सब कुछ करना है, चाहे उसके हिसाब से सर मैं अपना शेड्यूल बना रही हूँ धीरे धीरे, अभी बन नहीं पाया पूरी तरह से, no problem. लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा बन जाए सब कुछ। यस यस 100%। और सर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जब मैं रिट्रीट से आई तो मतलब मैंने मेरे हस्बैंड में मतलब अपने आप ही एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखा, और इवन मेरा सन वो भी अब मेरे साथ, जैसे मैं सूर्य क्रिया करती हूँ या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ तो सर वो भी करने लग गए। तो सर मेरे लिए तो एसकेएम एक डिवाइन है, मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती सर, बस मैं यही कहती हूँ कि एसकेएम तो सब कुछ है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। रयमा अग्रवाल, उनको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कर सकते हैं। रयमा जी, हेलो सर, बोलिए आंटी जी, ये हमारे पोती ने ये नाम रखा है अपना। कैसे हैं आप? बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया डाल सर, बहुत अच्छे। हमारी छोटी डॉटर इन लॉ है, वो भी ऑनलाइन रिट्रीट अटेंड कर रही है, सलोनिया करवा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। उसको मैंने बोला, मैंने कहा 26 तारीख से शुरू हो रही है, करोगी? तो बोली हाँ। बहुत आज उसने फर्स्ट सेशन अटेंड किया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अगली बार वो भी आएगी।
मैं आंटी जी के बारे में एक बात करूंगा. आंटी जी बहुत सालों से ध्यान व्यान करती हैं, बहुत सालों से, और उनके मेडिटेशन के वजह से पूरी फैमिली भी ज्वाइंट हो गई. इनके 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 बेटे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ऑलमोस्ट वो 3 साल से जुड़े हुए हैं. एक इंसान मेडिटेट करके अपनी एनर्जी को बढ़ा के बाकी सबको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, और उन्होंने इसमें सक्सेस पाया है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है. हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जोड़ के. एक अलग ही जोश होता है. यस यस यस. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हर बार आप रिट्रीट में आते हैं तो पूरा ओपन माइंड होके आते हैं. ऐसा नहीं कि हमने इतना कुछ सीखा है अब और क्या करना है. एवरी टाइम आप सब लोग ओपन होके आते हैं और सीखने के लिए रेडी होते हैं और सरेंडर हो जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा हमेशा, सर का खास करके. हमें आप लोगों का आशीर्वाद की बहुत जरूरत है. आप लोगों का आशीर्वाद से ही हमारी एनर्जी बढ़ती है. धन्यवाद, थैंक यू. हम लोग तो आपके साथ ही जुड़े रहेंगे सर. यस यस, 100%. हेलो सर. हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हो? बस बस, फाइन फाइन, थैंक यू. सर जल्दी मिलते हैं शिरडी में. इच्छा होती है. हाँ मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. हमारा अपकमिंग रिट्रीट है शिरडी में. यस सर, मैं जल्दी आता हूँ शिरडी में, मिलते हैं. हाँ हाँ, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. सर देखता हूँ, रोज करता हूँ पढ़ाई. अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर. बाय सर. बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. या थैंक यू. गुड, योगेश जी को मैं अनम्यूट करूंगा. योगेश जी, योगेश शाह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. शायद आपने रेज हैंड किया था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये बताते हैं कि जैसे आप कलयुग में है तो सब कुछ बैलेंस करके चलना है. सब कुछ परफेक्टली बैलेंस करके चलिए तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा. और आप दूसरों पे चेंजेस लाने की कोशिश मत कीजिए. खुद के अंदर चेंज लाओगे तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग चेंज होंगे, बिकॉज आपके जो फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है. ठीक है, इसके लिए आपके लाइफ में आए. तो अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से चेंज कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग चेंज हो जाएंगे. हम सोचते हैं कि हम बाकी लोग को चेंज करें, नहीं, ऐसा नहीं. हम अपने आप को परफेक्टली चेंज करो तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. ठीक है, बाकी लोग, बाकी कोई शेयर करना चाहेगा? यस, हमारे अपकमिंग रिट्रीट्स भी अभी शिरडी में है, जो कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को है. 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, वो भी 5 days का है. ठीक है, तो जो भी एनरोल करना चाहेगा वो एनरोल कर सकते हैं. शिरडी जो कि महाराष्ट्र में नासिक के आगे एक प्लेस है, वहाँ पे है. उसके बाद में भोपाल में भी है, उसके बाद में बैंगलोर में है. 2 दिन का हम सोच रहे हैं, 31st अक्टूबर और 1st नवंबर, 2 दिन का ही हम रखेंगे. वहाँ पे 3 या 4 टॉपिक ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे. उसके बाद 25th दिसंबर से ऋषिकेश में रिट्रीट है. ठीक है, तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहेंगे या इंक्वायरी करना चाहेंगे तो आप हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं, मेहुल भाई हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं. वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर लेंगे, या कोई कोर टीम मेंबर से आप जुड़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे. यस, अनीशा जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? अनीशा जी, यस यस, अनीशा जी आप प्लीज. हाय सर. Hi, how are you? I'm good. How are you? Yeah. सर मुझे तो ये शेयर करना है कि मेरी तो मम्मा इसमें आना चाहती थी, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी. मैं उनको बोली थी, उनको ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी इसमें आने में. ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, फिर ट्रेन नहीं मिल रही थी, हो रहा था. मैं उनको ये कह रही थी, मम्मी देखो कोई काम ना जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, भगवान नहीं चाहते, तुम यहाँ जाओ. उसके बाद मैं वहां गई, मैंने कहा मैं तो रहूंगी, मैं तो बस यहाँ ऐश करने आई हूँ, मम्मी जाएंगी अपना. मुझे सब ऐसे लगता था भजन सत्संग होता होगा, इसी में जाएंगी और मैं अपने रूम में बैठूंगी. लेकिन उसके बाद फिर मतलब मेरा एक क्वेश्चन था तो मैं उदय सर से मिली. उसके बाद फिर मैंने चीजों के लिए साइन अप किया और मुझे मतलब इतना मजा आ रहा था. और इतने मतलब ऐसे ऐसे लोग थे ना, मतलब सर आप तो जैसे
मम्मा आपको बोलती विशाल सर, मैं कहती हूँ कौन विशाल सर, अच्छा विशाल भैया। मुझे एकदम आपको देखे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई जैसे दोस्त होता है जिसकी बस टांग खींचते रहो पूरे टाइम। हाँ बहुत क्वेश्चन पूछा इन्होंने, बहुत क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन। उस दिन तो मैं एकदम प्रिपेयर्ड होके आई थी कि आज मैं अपने भगवान वाले सारे क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे इतने क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड। और मतलब हाँ, तो सर मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद ना सर ऐसा था कि मैं मतलब अपने स्कूल में ना नाइन्थ स्टैंडर्ड से ही काफी ज्यादा मतलब मेरा बिहेवियर एकदम चेंज हो चुका था। मतलब पहले मैं बहुत अपनी धुन में रहती थी, मजे में रहती थी, बट उसके बाद पढ़ाई का प्रेशर ये वो फिर चीजें अपने हिसाब से हो नहीं रही थी, तो मैं काफी अलग लेवल ऑफ माइंड में जा चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ आई और जिस दिन उदय सर ने अटूनमेंट किया उस दिन तो मुझे हंसी आ जा रही थी, बहुत हंसी आ रही थी बिना वजह। और उसके बाद सर उस दिन से फिर आपने वो पानी वाली चीज बताई थी ना कि बेडरूम में कभी पानी नहीं रखना है, मुझे रोज उससे पहले सर में दर्द होता था और उस दिन से मैंने बेडरूम में पानी रखना छोड़ दिया है। तो मुझे उस दिन के बाद से मतलब मैं लिटरली 8 घंटा सोती भी नहीं हूँ और मुझे फिर भी कोई सर में दर्द नहीं होता। वाओ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं एकदम खुश हूँ, मतलब अब तो मैं मतलब ऐसे हो गई हूँ वापस से जैसे मैं मतलब एकदम बच्ची टाइप थी ना कि फन लविंग अपनी धुन में रहना, और मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है एकदम पॉजिटिव, मतलब वापस से एकदम जैसा बनना चाहते थे वैसा बन गया। फिर मैं मम्मा को कह भी रही थी कि मतलब आप लोग कहते हो कि सीरियस हो लाइफ में, ये करो वो करो, उसके बाद जब आप लोग का बुढ़ापा आ जाता है तो सत्संग में जाके यही बनना चाहते हो वापस, बच्चे वापस जैसे हैं वैसे ही नॉन जजमेंटल एंड एवरीथिंग, तो लोगों को फिर क्यों चेंज करना। तो सर बहुत मतलब बहुत अच्छा था। और उसके बाद तो मैं मम्मी से ऐसे हाथ पर जोड़ती थी मुझे शिरडी जाने, तो मुझे अगली रिट्रीट में जाने, मम्मा नहीं जाती थी पर मुझे जाना है। नहीं गुड 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 एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई स्टार्ट आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग अराउंड 19 इयर्स बैक, सो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट अच्छा, सबसे तो अच्छा था आपका सर फिर से खाने, और उदय सर का भी सर तो मैं खाती रहती हूँ पूरे टाइम। यस नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा था कि आप दिल खोल के क्वेश्चन पूछते थे और मैं आपको हमेशा बोलता था आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि हमारे रिट्रीट में हम कभी किसी को रोकते नहीं टोकते नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपने देखा होगा हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हर एक क्वेश्चन को। यस सर, यस। और आई एम श्योर हम लोग अच्छी तरह से आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सर, आप दोनों को, उदय सर को भी, आपको भी। नो प्रॉब्लम। नाउ ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्लीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। और रिट्रीट तो आते रहेंगे बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाना, एक अच्छे से लेवल पे लेके जाना है। सर प्रैक्टिस से मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि सर उदय सर को मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे डांटिएगा मत अभी जब मैं ये बताऊंगी। उदय सर मुझे रोज बोलते थे कि हीलिंग करो हीलिंग करो, मैं मैंने स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि मैंने बुकलेट में पढ़ा था कि जो सनसेट होता है उसके बाद नहीं करनी है, तो मैं नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कल करूंगी। हालांकि और एक और चीज मैं बताऊंगी कि आपने मुझे कहा था ना कि सुबह जल्दी उठो तो टाइम तुम खुद एक्सपीरियंस करोगी कि धीरे चल रहा है, मेरा तो टाइम ही नहीं कटता, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और मैं 7 बजे तक बोलती हूँ कब खत्म होगा दिन कब खत्म होगा दिन। तो सर तो हाँ, तो आज मतलब आज मेरी पहली हीलिंग थी जब पूरा प्रॉपर सेशन हुआ, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम हीलिंग की। और सर उसी में ना जब मैं ओम, हम लोग ओम पे थे क्राउन चक्रा में, तो 3 बार जब मैंने ओम चैंट किया तो उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ से एक्सटर्नली ओम 3 बार सुनाई दिया, इट वाज नॉट ऑन फोन। तो मैंने उदय सर को बताया तो उदय सर ने कहा कि तुम्हारा क्राउन चक्रा ओपन हो गया, तो मतलब मैं एकदम ऐसे शॉक हो गई थी कि इतनी जल्दी, और मुझे बड़ा मजा आया, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उस दिन से। वेरी नाइस, सभी का ओपन होता है उसको अच्छे तरह से बढ़ाना है, परफेक्टली करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारा बंद होता है, ओपन हो गया, अभी उसको अच्छी तरह से अच्छे दिशा में कैसे लेके जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस सर, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ओके, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी रिट्रीट में आते उसके पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि अगर आप फिर नेक्स्ट रिट्रीट में आएंगे तो एक अलग लेवल पे होने चाहिए, ठीक है ना। यस सर,
Yes, and every time you come back from the retreat, आपके family members बोलने चाहिए, अरे इतना changes कैसे आया, मुझे बताओ क्या है, इसका मतलब समझ लो कि real में changes आए. Yes, sir. ठीक है ना, because बाहर के लोग आपके अंदर के changes को नहीं देखते, बाहर में क्या परिवर्तन आए, वो बहुत important है. जैसे बहुत लोग देखे होंगे पहले रिट्रीट में मुझे और अभी चेंजेस आए ना, तो लोग को लगता है इसमें चेंजेस कैसे आए, ठीक है ना, तो वो देख के लोग पता चलता है कि हाँ कुछ तो है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनिशा फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपना थॉट शेयर कर रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा ये शेयरिंग, हम बहुत कुछ सीखते हैं. हम यहाँ पे शायद सेशन बंद करेंगे. जो भी क्वेरीज हैं आप हमारे कोर टीम मेंबर्स को पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. कल भी हमारा सेशंस होगा, हम ट्राई करेंगे हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार ऑनलाइन जूम सेशन हो. नेक्स्ट वीक वापस हमारा शिरडी रिट्रीट है, बट शायद मैं और सर बिजी रहेंगे रिट्रीट में शिरडी में, बट विल मेक श्योर कि हमारे बाकी के कोर टीम मेंबर्स शायद वो ऑनलाइन जूम सेशन कैरी करे. ओके, जो भी कुछ डाउट्स है प्लीज डोंट हेजिटेट. यस, हम थोड़ा सा लेट रिप्लाई करेंगे बट जरूर करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा. एंड कीप प्रैक्टिसिंग, मेडिटेट करते जाइए. ओके, ब्रीदिंग करते जाइए, हीलिंग करते जाइए. ओके, एंड थैंक यू. ओके, बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे. ओके, and I'm missing you all. Yes, see, understand one thing, sharir se hum dur hai but atma se soul se hum sab connected hai. Vrindavan ka chhod lijiye, agar abhi bhi hum sab saath mein agar zoom mein baith ke sun rahe, matlab kahin na kahin hamara kuch na kuch to connection hoga, iske liye hum mil rahe, theek hai na. Main sir ko bhi chahunga ki sir 5 minutes ke liye agar aap kuch share karenge to better rahega, kuch apne थॉट प्रोसेस अगर आप शेयर करेंगे बिफोर आई एंड द सेशन. यस, सो मजा आ गया, एक्सेलेंट. सभी को वापस देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. हमारी सोल फैमिली कितनी स्ट्रांग है ये अब पता चल रही है, कि जो लोग रिट्रीट नहीं भी अटेंड किए उन्हें भी लग रहा है कि बहुत जल्दी हम मिलें और वापस ऐसे कोई एक्सपीरियंस हम भी लाइफ में लें. बिकॉज ये जो जीवन है एक्सपीरियंस लेने के लिए है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है जीवन का. खाना पीना सोना उठना कमाना ये तो सब चलते रहता है, लेकिन ऐसे जो डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, जो राम को कृष्ण को हनुमान जी को या ब्रह्मा जी ऐसे जितने भी देवी देवता हैं, इन्हें भी वो एक्सपीरियंस हुए हैं. और हमने जब ये ऐसे एक्सपीरियंस लिए तब पता चलता है कि हमारे अंदर भी ईश्वर है, और इस ईश्वर को जगाने के लिए हमारा जन्म हुआ है. सिर्फ इंसान रह के मत रह जाना, हमें वापस उस अंदर के देवी देवताओं को जगाना है, उस सारे डिवाइन क्वालिटीज को जगाना है, सुपर जीन्स को एक्टिव करना है. जैसे अभी किसी ने कहा था कि सारे यंग लोग हैं जो सारे ये रिट्रीट्स कंडक्ट करते हैं, ये तो डेफिनेटली है. बिकॉज सत्य बोलने के लिए कोई एज नहीं लगती, कोई डिग्री नहीं लगती, कोई भाषा नहीं लगती, बस हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, और उसी उसी में हम सीखते रहते हैं. मतलब 5 दिन लोगों को पता भी नहीं चला कि हमने 3-3 बार लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवाए. क्योंकि जब मैंने 15 साल पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा था तो मैंने देखा था कि लोग बहुत रोते हैं, कुछ लोगों को पास्ट लाइफ में तलवार देनी पड़ती है मारने के लिए, कुछ लोगों को पिलोस देने पड़ते हैं वो फाड़ देते हैं और गुस्सा निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोगों को है ना पुतले देते हैं हम लोग के, चलो इसका कत्ल कर दो, इसको खत्म कर दो. कुछ लोग डॉल्स लेते हैं, खिलौने लेते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं. ये बहुत सारी चीजें मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखी थी, लेकिन हमने ऐसे रिट्रीट में कभी ऐसे कोई करवाई नहीं. बिकॉज हम चाहते हैं वो हील हो जाए, हमें वो गुस्सा बाहर निकालना नहीं है, हमें उस गुस्से को या फ्रस्ट्रेशन को या डिप्रेशन को या एंजाइटी को या डर को या इनसिक्योरिटी को समझना था कि ये क्यों है. किसी को ब्लेम करते हुए, किसी को मारते हुए हमें चीजों को बाहर नहीं निकालनी, ये तो फिर एक आदत पड़ जाएगी कि फ्यूचर में वापस अगर ऐसी कोई घटना हुई तो हम सोचेंगे चलो किसी को पकड़े और उसी के ऊपर गुस्सा निकाले, उसी को मारे, उसी को पीटे, उसी को गाली गलौज दे. ऐसा नहीं है. एक्चुअली
बाहर इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ भी है अंदर ही उथल पुथल चलती है। रामायण भी अंदर है, महाभारत भी अंदर है, बाइबल अंदर है, कुरान अंदर है, भगवद गीता अंदर है, जैनिज्म अंदर है, बुद्धिज्म अंदर है, सिक्किज्म अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो बाहर कुछ दुश्मन नहीं है, बाहर कोई नेगेटिव चीजें भी नहीं है, कोई अंधेरा भी नहीं है, बस हमारी मान्यताएं गलत है या अलग है, यही दो चीज होती है। तो ये समझना है। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया 5 दिन में। हमें लग रहा था कि शायद लोग डरते हुए आएंगे, लेकिन 5 दिन जो विदाउट एनी सोशल डिस्टेंस, बगैर मास्क के घूम रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, गाने गा रहे थे। यस यस, हर आधे आधे घंटे में बोलना पड़ता था कि हाँ, अब हॉल से बाहर आओ तो मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। एग्जैक्टली, क्योंकि डर निकल गया था। मतलब ये हो रहा था कि अगर कोरोना वायरस भी आ जाता था ना, तो मुझे इतना लग रहा था कि ये उन्हें भी रिट्रीट में बिठा देते कि भाई तू भी बैठ के लेक्चर सुन, नहीं तो तेरा डिग्रेशन करते हैं, तू कहां से आया, तो उसे भी रिलीज कर देते। इतना कॉन्फिडेंस हमारे पार्टिसिपेंट्स में आया था करके। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि आए तो खुद को सुधारने के लिए थे, लेकिन जाते वक्त लोगों को कैसे सुधारे इसकी चाबी लेके चले गए सभी लोग। तो आप में से कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम में आए तो इन पार्टिसिपेंट्स को चैट करना, इनके साथ वीडियो सेशन करना, इनके साथ बातें करना, आपको ऐसे ही सॉल्यूशन ये दे देंगे। ये सारे स्पिरिचुअल डॉक्टर बन गए हैं। तो मैं चाहता हूं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइफ में जिन्होंने आज तक कभी रिट्रीट अटेंड नहीं की है, प्लीज ये संकल्प डालिए। मैंने अभी तक 513 रिट्रीट ऑर्गेनाइज की है पिछले 23 साल में, लेकिन आज भी मैं हर रिट्रीट में बहुत उत्सुक रहता हूँ, मतलब बहुत एक्टिव रहता हूँ। मुझे खुद को भी लगता है यार ये रिट्रीट में क्या होगा, बहुत जोश में रहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यार वापस लोग आ गए फिर पकाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ना रात को सोने देते, खाने के वक्त भी सर मैं आपके बाजू में बैठूं, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मतलब 2 मिनट की सांस लेने भी नहीं देते। लेकिन बहुत मजा आता है, बिकॉज हमें भी लगता है यार उनका ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हमें समझने जैसा है। और उसको जब हम कुछ डिवाइन से गाइडेंस लेते हुए, एंजल्स को इन्वोक करते हुए जब हम उन्हें गाइड करते हैं, वो फॉलो करते हैं, उन्हें जब रिजल्ट मिलता है, तब हमें लगता है कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल रिसर्च था। कुछ रिसर्च टेक्नोलॉजी से होता है, ऑरा से होता है, और कुछ रिसर्च लोगों के एक्सपीरियंस से होता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक लोग एक्सपीरियंस करते हुए हमें बताएंगे नहीं कि सर जो आपने गाइड किया हमें, उससे हमें फर्क पड़ा, जैसे अभी अनीशा ने कहा कि विशाल सर ने पानी के बारे में कहा, तो उनको एक्सपीरियंस हुआ कि पानी जब रूम से बाहर निकलते हुए सोए तो नींद अच्छी आई, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, आप लोग के प्रॉब्लम अभी भी शायद उतने ही हैं या शायद थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन अभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज ने तो प्रॉब्लम कल चले जाने वाले। लेकिन इस शुक्र गुजारे इस सारे प्रॉब्लम्स को, तकलीफ को, जिसके वजह से आप हमसे जुड़ पाए, आप हमें मिल पाए, आप ये सारे सोल फैमिली को वापस मिल पाए। लेकिन पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते इन सारे सोल फैमिलीज को मिलते हुए। कोई भावनगर से आया, कोई सांगली से आया, कोई कहां से आया, बैंगलोर से आया, कोई दिल्ली से आया। इन लोगों को मिलने के लिए पता नहीं आपको शायद एक लाइफ लेनी पड़ती या कितनी लाइफ वेट करना होता। रिट्रीट में एक फायदा होता है, एक ही जगह पे हम सारे उन सोल फैमिली को मिलते हैं जिनको कोई ना कोई जन्म में हम छोड़ चुके थे, बिछड़ चुके थे, और उनका हम वेट कर रहे थे करके। तो ये बहुत अच्छी चीज है, प्लेटफॉर्म है, कि जरूरी नहीं कि मरने के बाद इन्हें मिले या वापस कोई जन्म ले इनको मिलने के लिए। हम ऐसी रिट्रीट अटेंड कर सकते हैं, सदगुरु की अटेंड कर सकते हैं, ब्रह्म कुमारी की अटेंड कर सकते हैं, ओशो की अटेंड कर सकते हैं, एसकेएम की अटेंड कर सकते हैं, दादा भगवान की अटेंड कर सकते हैं, किसी की भी अटेंड करो, डजंट मैटर। लेकिन जब भी रिट्रीट किसी की भी अटेंड करो, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, बस इसी उत्साह के साथ अटेंड करना, इसी खुले दिमाग के साथ अटेंड करना, ओपन माइंड के साथ करना, खुशी से करना, कोई ऐसे दर्द दुख के साथ अटेंड नहीं करना, और कोई जोर जबरदस्ती कोई प्रोसेस में नहीं करना कि नहीं मुझे मेडिटेशन में बिठाया, सांस लेने के लिए कहा तो मुझे करना ही होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट बी फ्री। हम इस यूनिवर्स में फ्रीडम और लव को सीखने के लिए आए हैं, तो आजादी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, और हमें ये सारे एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो दुख दर्द तो चलते रहेंगे, पैसों का प्रॉब्लम चलते रहेगा, रिलेशन का प्रॉब्लम चलते रहेगा, हेल्थ का भी प्रॉब्लम चलते रहेगा, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन,
ये बहुत बड़ी बात है, द शो मस्ट गो ऑन। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने अपने हार्ट चक्र को ओपन करते हुए अपने दिल की बात बताई और काफी लोगों को मोटिवेट किया, काफी लोगों को इंस्पायर किया, और आपके वजह से फिर से आपके अकाउंट में पुण्य का बैलेंस बढ़ गया, आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिल गई। सो गुड नाइट एवरीवन, कल फिर से मिलेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड कोर टीम मेंबर्स, यस, अननोइंगली जूम सेशन या रिट्रीट में हम कुछ बोल दिए और आपको कुछ बुरा लगा तो हम दिल से फॉरगिव करते हैं, ठीक है, और सुबह सुबह जल्दी उठाने के लिए, परेशान करने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है, वो आपके अच्छे के लिए है। तो हमारे कोर टीम मेंबर्स हमेशा मतलब दिल से जो भी करते हैं, दिल से करते हैं, जो भी, चाहे वो रूम अलॉटमेंट हो, चाहे वो खाना हो, खाना भी हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने देखा होगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज हमने दिया, चाहे वो रूम्स की क्वालिटी हो, चाहे हॉल हो, ठीक है, बहुत सी चीजें हमने शायद बिटर ट्रूथ बोली होगी, तो वो आपके सत्य बोली होगी, चाहे सर के लेक्चर्स हो या मेरे हो, तो आपके अच्छे के लिए होगा। अनोइंगली नोइंगली अगर आपको कुछ बुरा लगता हो, हम तो दिल से होपोनोपोनो करते हैं। यस, और दर्पण जी को भी थैंक यू, इन्होंने इतनी अच्छी हमें इम्यूनिटी किट दी, ताकि हम सारे, हमने मेडिसिन खाई उनकी जो स्ट्रेस के लिए थी, लिवो केयर थी, जो अश्वगंधा थी, और सभी लोग 5 दिन स्वस्थ रहे, उनकी हमने हर्बल चाय पी, उनके जो भी दवाइयाँ, जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें हमें डाइट के लिए किया, और विशाल सर और सचिन सर ने, दोनों ने संभाला पूरा डाइट को, सारे पार्टिसिपेंट्स को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जबकि उन्होंने गुलाब जामुन रसगुल्ले भी खिला दिए, आइसक्रीम भी खिला दी जो वो डाइट में नहीं था, लेकिन एनी हाउ हमें सबको पता चल गया था कि लोगों के अंदर डर निकल गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जलसा करो आप लोग, ओके, मजा आ गया। कल मिलते हैं 6 बजे, और साइकिक सर्जरी के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज कल 2 बजे मिलिए, कल विशाल सर खुद साइकिक सर्जरी पूरे डिटेल में लेने वाले हैं, प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, और कल हम वापस आपकी रीअट्यूनमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज ज्वाइंट हो जाइए जो लोगों ने सीखा है, और अगर नहीं सीखा और सोच रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन टुमारो, और परसों मनी अबेंडेंस का है तो प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी सीखा है उसको अपडेट करना जरूरी है, जब तक अपडेट नहीं करोगे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। कल मधुमिता जी हमारी मास सीलिंग लेने वाली है, आपको पता है उनके ऊपर पूरी काली माँ की ब्लेसिंग है, दुर्गा माँ की ब्लेसिंग है, सारे 9 दुर्गाओं की ब्लेसिंग है, तो हम सारे अपने फ्रेंड्स फैमिली को कल इनवाइट करते हैं, 6 बजे सब लोग मिले और सभी लोग हम मास सीलिंग के लिए बैठ जाए, और ये संकल्प करें कि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया से जल्दी निकल जाए, ताकि वापस सभी लोग अपने लाइफ में काम पे चढ़ जाए, वापस अपनी डेली रूटीन पे आ जाए करके। अब ये आपका और हमारा कर्तव्य बनता है, जिनको ऊपर वाले ने इस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में डाला है, कि हम सभी को ब्लेस करें, तो कल प्लीज मिस नहीं कीजिएगा, 6 बजे सभी लोग आपको पहुंचना है। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, मजा आ गया, रमन जी को देख के और मजा आ गया, रमन जी सत श्री अकाल, सभी को, रूबी जी को, लकी जी को, सभी को प्रणाम, थैंक यू, बाय बाय, एंड कुमुद जी को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, बाय। मैं भी थैंक यू वेरी मच, होप सो बहुत अच्छा लगा आपको, चलो बाय, थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हीलिंग अस, एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स लोगों ने भी हमें हील किया था, पार्टिसिपेंट्स लोगों ने, तो उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच, ओके।